दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। आज 17वां दिन है किसान आंदोलन का, 17वां दिन और ये सर्द रातें, लेकिन भारत सरकार पर, हमारी सरकार पर किसानों के आंदोलन की जो वाजिब मांगे हैं उनको लेकर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में लोग किसानों की मांगों को, भारत के किसानों की मांगों को जेन्युइन, प्रामाणिक और वाजिब कह रहे हैं। जो भी कृषि कानूनों का अध्ययन करता है, जो भी उन कानूनों को समझने की कोशिश करता है, उसको ये लगता है कि इन कानूनों के बरक्स जो ये आंदोलन है वो बेहद जेन्युइन है। लेकिन अपनी सरकार उन कानूनों को बनाने में भी कॉरपोरेट का सहयोग लेती है, उन्हीं से कंसल्टेशन करती है कि कृषि कानून हम लेकर आ रहे हैं, आप बताइए कैसा होना चाहिए, क्या आपकी राय है। और कानून को लेकर जब इस देश में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, किसान आंदोलक आंदोलित हैं, तब भी वो फिक्की या इसी तरह के बहुत सारे जो चैंबर्स बने हुए हैं उद्योगपतियों के, उनके सामने ही सारी बातें कहती है। लेकिन किसानों से डायरेक्ट कंसल्टेशन अब बिल्कुल ठप है। पहले कुछ मंत्रियों की तरफ से चल रहा था, अब वो भी नहीं है। अब दुष्प्रचार अभियान एक तरह से सत्ताधारी दल की तरफ से और सरकार के मंत्रियों की तरफ से तेज कर दिया गया है। यानी किसान आंदोलन जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, हर तरह के लोग शुमार हैं और हर प्रदेश के लोग अब शुमार हो चुके हैं, उस आंदोलन के विरुद्ध सत्ताधारी संरचना जो भारत की है उसकी तरफ से दुष्प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। दोस्तों आपको याद होगा, पहले इस आंदोलन को शुरुआती दौर में खालिस्तानी बताया गया, इसके बाद इसको पाकिस्तान संरक्षित भी बता दिया गया। कुछ लोगों ने, नेताओं ने कहा कि ये पाकिस्तानी संरक्षण इसको है, फिर कुछ ने बताया कि विदेशी शक्तियों के इशारे पर है। ट्वीट करके, ऑफिशियल ट्वीट करके अपनी तरफ से कुछ बड़े नेताओं ने पार्टी के कहा कि इसको फंडिंग हो रही है विदेश से। अब लेटेस्ट है कि ये माओवादियों का संरक्षण प्राप्त है या इसके अंदर एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए हैं। अगर आप धरने की उस जगह जाकर देखिए जहां लोग बैठे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, किशोर हैं, क्या उस पूरी भीड़ को, उस पूरे जन समूह को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि इसमें इस तरह के कोई ऐसे लोग हैं जिनके कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हों? ये वे लोग हैं जिनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं अपनी खेती बाड़ी को लेकर, खेती किसानी को लेकर, अपनी फसल को लेकर और उपज का असल दाम को लेकर, बाजार को लेकर। लेकिन सरकार इल्जामात केवल ठोक रही है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज 17वें दिन दिल्ली जयपुर हाईवे को रोकने का आह्वान किया है किसानों ने, उसको लेकर हजारों की संख्या में पुलिस वहां लगा दी गई है ताकि किसान ऐसा कोई काम न कर सके, यानी अपने प्रोटेस्ट को आगे न बढ़ा सके। फिर भी टोल प्लाजा कई ऐसे हैं जहां किसानों ने वहां को उनको फ्री कर दिया है। और वहां पर देखा हमने, जो तस्वीरें आ रही हैं टेलीविजन चैनलों के जरिए, हमने देखा कि वो काफी हद तक वहां कोऑपरेशन भी दिखाई दे रहा है कर्मचारियों का। इसके अलावा दोस्तों, कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट के हवाले करके सरकार की ये लॉजिक है कि इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। किसान बनाम किसान को लड़ाने की भी सरकार की तरफ से और सत्ताधारी दल की तरफ से कोशिश हो रही है कि साहब छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा इससे। क्यों? क्योंकि उनको 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 आर्थिक रूप से ज्यादा बेहतर काम मिलेगा, बेहतर दाम मिलेगा। तो क्या पूरी खेती बाड़ी को कॉरपोरेट के हवाले करके छोटे किसान को, मझोले किसान को क्या ये सरकार मजदूर बना देना चाहती है? और मजदूर बनाकर कह सकती है कि आप अगर अडानी के यहाँ, अंबानी के यहाँ आप चाकर बन जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके हाथ में पैसा जाएगा। किसान सिर्फ पैसा नहीं चाहता है, किसान सम्मान भी चाहता है।
किसान अपनी आजादी भी चाहता है और उसकी आजादी, उसका सम्मान उसकी जमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये बात कारपोरेट और बड़े उद्योगपतियों के हमजोली जो लोग होते हैं वो ये समझ नहीं पाते कि किसान के लिए जमीन का मसला क्या है। काश वे प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ पाते, बहुत पहले प्रेमचंद ने लिखा था, लेकिन भारत के किसान की असलियत जो है उसमें झांकती है। तो दोस्तों, किसानों की ये जो कहानी है वो लगातार यह सिलसिला जारी रहेगा, हम आपको ये बातें सुनाते रहेंगे। आज हफ्ते की बात में हमारी दूसरी जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। वो यह है कि बंगाल को लेकर तृणमूल कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है, और इसमें जो राज्यपाल वहां के हैं धनखड़ साहब, वो खुल करके बैटिंग कर रहे हैं, और वो जो बैटिंग कर रहे हैं उसमें बड़े दिलचस्प नजारे हैं। वो टेलीविजन पर आकर किसी सियासी दल के नेता की तरह बकायदे बहस करते हैं, बहस में शामिल होते हैं, क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं एंकर्स के साथ। तो ये सब भी सिलसिला चल रहा है, और इसमें 3 आईपीएस अफसर्स को अभी हाल में डिपुटेशन पर केंद्र ने बुला लिया है। चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को उन्होंने समन किया है कि वो आए और 14 तारीख को बताएं कि जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी गाड़ी पर क्यों इस तरह का हमला किया हुआ था, क्या उसकी वजह थी। अब ये इस हमले को लेकर भी बहुत सारे विवाद हैं, हम उन विवादों में नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात सबको समझ में आ रही है कि बंगाल के चुनावों को एक खास रंगत देने की, एक खास ढंग का उससे विवाद जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है इसके पीछे कहानी ये भी हो कि राष्ट्रपति चुनाव के तहत चुनाव अगर होंगे तो शायद जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है उसको ज्यादा फायदा होगा, वो जो अपने मन की वो करा सकती है हर चीज। तो ये भी एक आशंका जाहिर की जा रही है कि क्या चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, क्योंकि इस हिंसा को लेकर जो कहानियां सामने आ रही हैं वो बिल्कुल तस्वीर धुंधली सी है। कोई कह रहा है कि ये प्रायोजित है, कोई कह रहा है कि ये आयोजित है, हम इस विवाद में नहीं जाएंगे। लेकिन बंगाल सरकार ने फिलहाल चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को केंद्र जाकर के अपनी सफाई देने से मना कर दिया है। वो दोनों अफसर अभी तक जो खबर है कि वो भारत सरकार के बुलावे पर नहीं आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, हम इसमें दखलंदाजी नहीं चाहेंगे। तीसरी जो हमारी कहानी आज की है दोस्तों हफ्ते की बात में, कि भारत को उसकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहे उसकी दुर्गति जितनी हो रही हो हम सब देख रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट की मौजूदा बिल्डिंग के होने के बावजूद एक नई बिल्डिंग उसका शिलान्यास हो गया, उसका शिलान्यास हो गया धार्मिक कर्मकांडों के बीच। और दिलचस्प बात यह है कि इस पार्लियामेंट को बनाने में जो जो खर्च आ रहा है वो 971 करोड़ का अनुमान है अभी केवल कंस्ट्रक्शन पर, और ये 2022 तक पार्लियामेंट जो है हमारी नई जो पार्लियामेंट बन रही है वो बनेगी। इसके कार्यक्रम में जो शिलान्यास कार्यक्रम था अभी संपन्न हुआ है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, लेकिन संपूर्ण अपोजिशन की अनुपस्थिति थी, भारत की विपक्षी पार्टियों की पूरी अनुपस्थिति गैर मौजूदगी के बीच में शिलान्यास हुआ नई पार्लियामेंट का। अगर विपक्ष का देखा जाए तो सिर्फ 3 पार्टियां थी, हालांकि वो विपक्ष भी क्या है, बीजू जनता दल और AIDMK जो बीजेपी की LI हो गई है, और YSR कांग्रेस, ये 3 पार्टियां और चिराग पासवान की पार्टी भी मौजूद थी। तो इतनी पार्टियां केवल थी जो कि बीजेपी के करीब या बीजेपी की LI हैं। इसके अलावा जितने प्रमुख राजनीतिक दल हैं सबने उस कार्यक्रम का एक तरह से उससे अपने को अनुपस्थित रखा। ये जो नई पार्लियामेंट बन रही है इसमें 888 सीटें होंगी लोकसभा में और राज्यसभा में 384 सीटें होंगी, यानी विशाल पार्लियामेंट होगी। हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिकुड़ रही है लेकिन पार्लियामेंट की बिल्डिंग बढ़ रही है, पार्लियामेंट की एक बिल्डिंग है फिर दूसरी बिल्डिंग। तो ये पैंडेमिक के इस दौर में, महामारी के इस दौर में इतना बड़ा खर्च और इतना बड़ा जो 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 भवन निर्माण है, इसको देखकर विपक्ष के जो नेता हैं वो कह रहे हैं
कि ये जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, खासकर इस महामारी के दरमियान, ये एक तरह से बताता है कि हमारी सरकार की कितनी हुई भटकी प्राथमिकताएं हैं। एक एक ऐसा भटकाव है उसकी प्राथमिकताओं में कि वो आवाम के लिए, जनता के लिए नहीं, अपने मन की केवल चलाती है। और बिल्कुल आखिर में हमारी अंतिम जो कहानी है दोस्तों, कि प्रणब मुखर्जी साहब देश के राष्ट्रपति रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। रूपा पब्लिकेशन से उनकी एक नई किताब आ रही है जो संभवतः जनवरी में आएगी, लेकिन उसके कुछ हिस्से सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेसियों के हवाले, प्रणव दा ने कुछ कांग्रेसियों के हवाले कहा है कि कांग्रेसियों ने, बहुत सारे कांग्रेसियों ने यह माना था कि 2004 में अगर वो प्रधानमंत्री बन गए होते तो 2014 में कांग्रेस पार्टी की दुर्गति न होती और नरेंद्र मोदी जी को ये सफलता न मिलती। और ये उन्होंने उस किताब के जो एक मेमोयर माने संस्मरणात्मक किताब है उसमें उन्होंने दर्ज किया है, सोनिया गांधी की, मनमोहन सिंह की बहुत ही आलोचना की है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कहानी है, ये एक मुहावरा है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो ये प्रणब मुखर्जी जो कभी जननेता नहीं रहे, जो हमेशा एक तरह से पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले थे व्यक्ति, लेकिन पार्लियामेंट में वो जाहिर है पार्टी के स्ट्रेटजिस्ट थे, सामने भी आते थे, उनका ये कहना कि अगर हम प्रधानमंत्री बनते जैसा कि कांग्रेसियों का के हवाले वो कह रहे हैं तो सारी चीजें ठीक होती। मुझे लगता है कि ये प्रणब मुखर्जी अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका ये संस्मरण, उनकी जो हैसियत है, उनकी जो राजनीतिक छवि है, उस पर स्वयं सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पर सवाल खड़ा जितना करता है उतना वो स्वयं उन पर करता है। और हम सब जानते हैं कि वो अपने जीवित रहते हुए उन्होंने आरएसएस के मुख्यालय जाकर नागपुर जिस तरह की शिरकत की सम्मेलनों में, उससे उनको लेकर बहुत सारे सवाल उठे। इस देश के बड़े कारपोरेट के साथ उनके जो रिश्ते रहे हैं, और एक तरह से बहुत ही जो एक उनकी इनकी प्रो कारपोरेट जो इमेज रही है वो भी एक अलग कहानी है। ऐसे में कहना कि वो अगर होते प्रधानमंत्री तो सब कुछ ठीक रहता और आम जनता उनको समर्थन देती, मैं समझता हूँ कि ये गैरवाजिब है। तो आज इतनी सारी टिप्पणियों के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।